हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेशन इंडियन एग्जाम 2023 24 का सैम्पल पेपर जो भी स्टूडेंट के वी के हैं प्लीज़ वन टाइम्स इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें बाकी जो आपको सिलेबस मिला है और एन बुक को फॉलो कीजिए आपके एग्जाम बेटर जाएंगे चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स सिक्सटी मार्क्स पूछे जाएंगे टाइम आपका टू आवर्स थर्टी मिनट दिए जाएंगे फोर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी किसी स्कूल में आपका सेक्शन फाइव सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिए रहेंगे या वेरी 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 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे वन मार्क्स के सेक्शन बी में टू मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन सी में थ्री मार्क्स क्वेश्चन और सेक्शन डी में फोर मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर हैज हाउ मनी फैक्टर्स इसके कितने फैक्टर्स होंगे तो इसको फैक्टराइज करके बताना है तो देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर है तो इसको आइडेंटिटी का यूज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस थ्री बी का हॉल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस थ्री बी डेट इज ए माइनस बी और एक लिखेंगे a प्लस बी इसके दो फैक्टर हो गए वन एंड टू तो ये टू फैक्टर हो गए फर्स्ट का सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ कैंगट फेसेस ऑफ क्यूब पूछ रहा है कि क्यूब में कितने कैंगट फेस होते हैं ए क्यूब में सारे फेस कैंगुलेट होते हैं सेम सेप एंड साइज के होते हैं तो नंबर ऑफ़ फेस कितने होते हैं सिक्स तो आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा ठीक है द साइड ऑफ क्यूब वुज सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया दिया हुआ है साइड निकालना है क्यूब का तो देखिए सरफेस एरिया दिया हुआ है इज आप पता है आपको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर होती है तो सिक्स ए स्क्वायर इज्कल टू टू नाइन फोर लिखेंगे सिक्स से डिवाइड करिएगा तो ए स्क्वायर पहले इधर लिखिए टू नाइन फोर में सिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ठीक है इसी से कटेगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और सिक्स नाइन जा डैटी जी ए स्क्वायर इजकल टू फोर्टी नाइन है तो ए इजकल टू रूट अंडर फोर्टी नाइन हुआ फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट कितना होगा सेवन तो साइड ऑफ कि हो गया सेवन ओके फोर नंबर क्वेश्चन एक्सपोनेंट का है वन बाई टू टू पावर माइनस फोर है तो सबसे पहले निगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव करिएगा तो क्या होगा ये आपका निमनेटर डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है इज ए नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो वन बाई टू होगा तो टू हो जाएगा टू बाई वन लिखेंगे इस पर पावर फोर हो गया नेगेटिव साइन हट गया इज टू बाई वन को सिंपल टू को पावर फोर भी बोल सकते हैं तो टू पो पावर फोर को टू को करना है फ़ोर टाइम्स इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू डाइट इज है सिक्सटीन टू फोर या एट नहीं लिखिएगा सिक्सटीन एंसर फोर हो गया चलिए उसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है इफ टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई इन्वर्स प्रोपोर्शन देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए तो देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शनल ऐसे हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कांस्टेंट क्या होना चाहिए कांस्टेंट तो देखिए एक्स वाई के कांस्टेंट हो गया तो ये आपका सेकंड आंसर होगा इसी में अगर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है तो रेशियो चलता ये हो जाता आपका फोर नंबर ठीक है एक्स बाई वाई, वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट द कार्टेशियन प्लेन हैज कितने एक्सिस वन एक्सिस थ्री एक्सिस टू एक्सिस फोर एक्सिस तो टू एक्सिस बोलेंगे ठीक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है सेवन नंबर भी चाहिए ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई फाइव फाइव से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए जीरो या फाइव तो देखिए ए आपका आंसर हो जाएगा फोर फोर जीरो फाइव से डिवाइड हो जाएगा द प्रोडक्ट दिया हुआ है टू एक्स इंटू वाई तो टू एक्स इंटू वाई नॉर्मल क्वेश्चन है टू टू एक्स इंटू वाई करेंगे तो टू एक्स वाई हो जाएगा तो ए आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो गया सेक्शन ए हो गया इसी टाइप का सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है सेक्शन बी में टू मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है ऐड करना इतना ठीक है ऐड करने से पहले देखिए पी इंटू क्यू माइनस पी है तो इसको जब पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा पी क्यू पी क्यू माइनस सॉरी पहले हो जाएगा आपका पी स्क्वा स्क्वायर माइनस पी क्यू ओके फिर प्लस का साइन दीजिए हॉरिजॉन्टल वे में ऐड कर रहे हैं क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर हो गया फिर प्लस प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी ओके okay. ऐड कर दीजिए सभी को देखिए पी स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है क्यू स्क्वायर का भी नहीं है आर स्क्वायर का भी नहीं है तो ये आपका इसी तरह ऐड नहीं होगा बस आंसर यही हो जाएगा सेम आंसर हो जाएगा आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तीन द एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है वन डायगोनल इतना है फाइंड द अदर डायगोनल तो सिंपल एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वन बाई टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डी वन इन टू डी टू ये फार्मूला का यूज करिए तो आपके पास कितना है इधर है टू फोर्टी इक्वल टू वन डायगोनल दिया हुआ है वन बाई टू वन डायगोनल सिक्सटी हो गया और डी टू निकालना है अदर डायगोनल इससे इसे कैंसिल हो गया एट टाइम में फिर एट से इधर डिवाइड हो जाएगा टू फोर्टी बाई एट इक्वल टू डी टू इससे इसे आपका कैंसिल हो गया थर्टी आया डैट इज अदर डायगोनल जो होगा लिखिएगा आपका थर्टी यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर आंसर ठीक है नेक्स्ट है प्लॉट करना है आपको फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर तो आपको क्या करना है ग्राफ पेपर लेना है एक लाइन एक्स एक्सिस बनाएंगे और वर्टिकली आपको वाई एक्सिस इस तरह के बनाना है इक्वल इक्वल ग्राफ पेपर में आपको दिया रहेगा इस तरह के आपको देना है वन टू इधर एक्स एक्स डैस कर लीजिए इधर एक्स हो गया वाई हो गया इधर और इधर से वाई डैस हो गया ठीक है वन टू इक्वल इक्वल आपका यूनिट्स लेना है स्पेश तो यहाँ ले जीरो ए औरजिन है औरजिन से यहाँ पर वन टू थ्री इस तरह का और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह का लेना है वन टू थ्री ठीक है टू जीरो टू जीरो देखिए यहाँ टू जीरो है डैटी जी ओनली एक्स का वैल्यू दे रहा है वाई का वैल्यू नहीं दे रहा है इसलिए एक्सपे होगा ए पॉइंट हो जाएगा टू जीरो जीरो थ्री वाई पे आएगा खाली यहाँ पे इस पॉइंट पर हो जाएगा वन फोर इधर से वन सॉरी इधर से वन जाएगा इधर से फोर ये कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा वन फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा वन फोर फाइव टू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फाइव टू वाई का वैल्यू वाई एक्स का वैल्यू यहाँ तला फाइव तक जाना है फाइव और इधर आपको टू जाना है ठीक है ना ए हो जाएगा तो ग्राफ पेपर पे आसानी से बन जाएगा उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टराइज करना है सिंपल ठीक है इसको आप आइडेंटिटी ईश्वर के काटे करिएगा ए स्क्वायर प्लस इसको देखिए ट्वेंटी फाइव को बी स्क्वायर बना दीजिए तो प्लस बी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बीच में टू ए भी होगा टू ए और बी बी देखिए फॉर्मूला बैठ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए भी हो जाएगा और ये आइडेंटिटी पर भी बैठ गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए फैक्टराइज हो गया इसको आप डबल टाइम्स लिख सकते हैं ए प्लस फाइव ए प्लस फाइव ए, ए आपका आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट है फाइंड ए एंड बी फाइंड ए एंड बी सिंपल है ए एंड बी देखिए ए नंबर ऐसा लेना है और बी ऐसा लेना है जिसका सम आपका नाइन होना चाहिए फिर यहाँ पे ए आना चाहिए और यहाँ पे ए आना चाहिए ठीक है चलिए तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या ले सकते हैं ठीक है यहाँ भी ए आना चाहिए ठीक है वन सिक्स सेवन वन सिक्स सेवन एट तो ऐसा पॉसिबिटी लग रहा है कि ए का वैल्यू आप ए का वैल्यू क्या कर लेते हैं एट लेते हैं तो ए, ए का वैल्यू एट लेंगे तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना लेना होगा बी का वैल्यू वन लिया तो एट प्लस वन नाइन हो गया ठीक है और टू प्लस एट कितना हो गया यहाँ भी एट रखेंगे तो जीरो टेन हो गया और फिर एक यहाँ प्लस हो जाएगा इसमें तो देखिए यहाँ पे वन सिक्स सेवन और एक एट सही हो गया तो ये का वैल्यू एट और बी का वैल्यू वन लेना है ठीक है चलिए सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन फोर्टीन नंबर क्लासिफाई द फॉलोइंग सेप इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल सेप टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में देखो ये स्क्वायर आपका टू डायमेंशन हो गया फ्रिज में जो हो गया ठीक ये थ्री डी हो गया ये टू हो गया ट्रैंगल हो गया टू सिलेंडर हो गया थ्री समझ गए तो ये टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन टू डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ हो और थ्री डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट हो ठीक है उसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन देखिए यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड करना नाइन्टी फाइव इंटू वन हंड्रेड थ्री आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है आइडेंटिटी का यूज करना है तो आइडेंटिटी ऐसे लिखिए आप नाइनटी फाइव को लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस फाइव और इसको लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस थ्री तो एक आइडेंटिटी पढ़ें आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी ये होगा तो इसका यूज करिए एक्स के जगह पे हंड्रेड है तो हंड्रेड का स्क्वायर करिए फिर प्लस दीजिए ए प्लस बी ए प्लस बी तो ए के जगह पे माइनस फाइव है बी के जगह पे कितना थ्री है इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स का वैल्यू हंड्रेड है और प्लस ए बी करिएगा तो माइनस फाइव इंटू थ्री ठीक है तो हंड्रेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन पे फोर ज़ीरो और इसको करेंगे थ्री में से फाइव गया तो माइनस टू तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू हंड्रेड और यहाँ पे माइनस फिफ्टीन इसको सोल्व कीजिए दे दीजिए टेन थाउजेंड में आपको टू हंड्रेड फिफ्टीन माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा फाइव एट सेवन ठीक है और नाइन नाइन सेवन एट फाइव आपका आंसर आ गया ठीक है आइडेंटिटी यूज करके आपको बनाना है नेक्स्ट है सिम्प्लीफाई डैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा तो ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल से तो पहले ए से ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी करेंगे फिर उसी तरह बी से बी से करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया फिर सी से करिएगा ए प्लस बी माइनस सी ठीक है तो यहाँ से आपको मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी ठीक है उसी तरह यहाँ से मिलेगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी फिर आपका मिलेगा सी ए प्लस सी बी माइनस सी ए स्क्वायर ठीक है तो यहाँ ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर एक जगह रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर इसका लाइक like टर्म कोई नहीं है ए बी दिया हुआ है और बी ए दिया हुआ तो यहाँ से टू ए बी कर लेंगे टू ए बी फिर ए सी और यहाँ से प्लस ए कट जाएगा माइनस प्लस ए सी बी सी और सी बी ए भी कट जाएगा तो आपका आंसर ए फाइनल मिल गया ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए भी उसके बाद एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है कि थ्री इतना है बीच में इन टू का साइन है इतना दोनों साइड में पहले बेस को सेम कीजिए तो लिखिएगा माइनस थ्री पे पावर इधर एम प्लस वन होगा तो लिखेंगे एम प्लस वन प्लस फाइव ठीक है एम प्लस वन प्लस, प्लस फाइव इज इजकअल टू तो माइनस थ्री पे पावर सेवन बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा तो इधर से पावर हो गया एम प्लस सिक्स इज इजकअल टू तो सेवन डेट इज एम इज इजकल टू तो सिक्स इधर भेजेंगे तो सेवन में से सिक्स भी वन बहुत सिंपल क्वेश्चन है एम इज इजकअल टू वन ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एटीन ए लोड ट्रैक ट्रेवल्स इतना किलोमीटर ट्वेंटी फाइव मिनट्स इफ द स्पीड रिमेंस द सेम हाउ फार कैन ट्रेवल इन फाइव आवर्स ठीक है फाइव स्पीड सेम है तो आपको यहाँ पे दो बॉक्स बनाइएगा टू तो ट्रेवल का एक है एक में आपका लोड ट्रैक ट्रेवल्स डिस्टेंस दे दीजिएगा और एक में आपका टाइम का बॉक्स बनाना है डिस्टेंस कितना है फोर्टी किलोमीटर फिर आपका यहाँ डिस्टेंस निकालना है टाइम कितना है सॉरी डिस्टेंस सेकेंड केज में आपको निकालना है ये फोर्टी किलोमीटर के लिए इसमें ट्वेंटी फाइव मिनट्स दीजिएगा ट्वेंटी फाइव मिनट्स लेकिन यहाँ पे देखिए आवर्स में देखिए ध्यान दीजिएगा एक किलोमीटर में है ये डिस्टेंस किलोमीटर तो एक मान लिए और टाइम दिया फाइव आवर्स फाइव आवर्स को चेंज करेंगे मिनट में तो थ्री हंड्रेड मिनट्स हो जाएगा अभी आपको क्या है ठीक है सिंपल आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है ठीक है तो इसको हम लिखेंगे फोर्टी बाई ट्वेंटी फाइव स्कल टू एक्स बाई थ्री हंड्रेड ठीक है तो यहाँ से एक्स इजल टू थ्री हंड्रेड इंटू फोर्टी बाई ट्वेंटी फाइव इससे काटिएगा फाइव और सिक्स और ये आपका ये कटेगा ट्वेल्व टाइम में ठीक है तो ट्वेल्व में फोर्टीन से इंटू करिएगा वो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व में फोर्टीन कीजिए वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट किलोमीटर आपका फाइव आवर्स में ट्रेवल करेगा सेम स्पीड से उसके बाद है इसमें दिया हुआ है वेयर एक्साइन इन्वर्स प्रोपोर्शन है पी वन पी टू निकालना इन्वर्स प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट लेके चलना है तो आप लिखेंगे पी वन इंटू सिक्सटी स्कल टू टू हंड्रेड इंटू थर्टी तो, तो यहाँ से पी वन निकल गया सिक्सटी से डिवाइड कीजिएगा टू हंड्रेड इंटू थर्टी बाई सिक्सटी कट गया टू टाइम और टू से टू हंड्रेड हंड्रेड तो पी वन का वैल्यू हंड्रेड आपका एंसर आ गया ठीक है उसी तरह फिर आपको यहाँ भी रखना है टू हंड्रेड आया था टू हंड्रेड इंटू सिक्सटी इक्वल टू थ्री हंड्रेड इंटू पी टू तो पी टू इक्वल टू हो जाएगा टू हंड्रेड इंटू सिक्सटी बाई थ्री हंड्रेड इससे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये से कट जाएगा ट्वेंटी टाइम डेट इज ए फोर्टी तो पी टू का वैलू फोटी आंसर आ गया ठीक है नेक्स्ट है आपको फैक्टराइज करना है सेम क्वेश्चन ये फैक्टराइज करना है विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है तो एम स्क्वायर देखिए आपको सम करने पे माइनस फोर्टीन आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे थर्टी टू तो नॉर्मल कौन सा हो सकता है कौन सा हो सकता है आपका प्रोडक्ट करने पे ट्वेल्व अथी फोर्टीन और इनटू करने पे थर्टी टू तो आपके पास सिक्सटीन टू सीटिबल नंबर होगा जिसमें से माइनस सिक्सटीन लीजिएगा ये देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस फोर्टीन आएगा और प्रोडक्ट करने में माइनस थर्टी टू तो एम स्क्वायर माइनस लिखेंगे सिक्सटीन एम प्लस टू एम और माइनस थर्टी टू कॉमन कीजिए तो एम और तो एम माइनस सिक्सटीन बचा यहाँ से टू कॉमन करेंगे तो एम माइनस सिक्सटीन तो फैक्ट्राइज करके आया एम माइनस सिक्सटीन और एम प्लस टू तो ये आंसर हो गया ठीक है अब कह रहे हैं कि इसी में इसको डिवाइड करना है एम प्लस टू से अगर इसको आपको एम प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा फैक्टर तो आ जाएगा आंसर सेकंड में आपको एम माइनस सिक्सटीन आंसर देना है ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूवाइट फाइंड द हाइट ऑफ क्यूड वोज बेस एरिया दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूड बेस एरिया एंड क्यूवाई तो एक फार्मूला याद रखिएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया बेस एरिया इनटू हाइट होता है ये फार्मूला का यूज करेंगे वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है नाइन हंड्रेड एरिया दिया हुआ है वन एटी इंटू हाइट इस रखिएगा इसे डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा सिंपल में नाइन हंड्रेड में वन एटी से डिवाइड कीजिएगा फाइव तो हाइट फाइव सेंटीमीटर आंसर आ गया फार्मूला का यूज करेंगे ठीक है उसके बाद करा है कि फेरी फाइव दर्स फार्मूला फॉर स्क्वायर प्रिज्म एंड क्यूबाइड वाइड फार्मूला का करना है तो पहले आपको स्क्वायर प्रिज्म में है ठीक है तो स्क्वायर प्रिज्म में नीचे आपका स्क्वायर देना है ऊपर भी आपको इस तरह के स्क्वायर होगा ठीक है इस तरह के स्क्वायर प्रिज्म देना स्क्वायर प्रिज्म में क्या होता है नीचे का सरफेस स्क्वायर होगा ऊपर भी स्क्वायर होगा और चार गो आपको क्या होगा फेस इधर से इधर होगा ठीक है तो फेस की संख्या पहले लिख देना है वर्टिस लिख देना है और एज लिख देना ठीक है एक और एक क्यूआइड क्यूड तो आप जानते ही क्यूआइड के केज में आपका क्या होगा के केज में फेस जो होगा वो सिक्स होगा भर्टिस जो कॉर्नर हो गया भर्टिक्स जो हो गया कॉर्नर हो गया चार छ आठ हो गया और एज कितना हो गया बारह ठीक है तो आपके पास फार्मूला है एफ प्लस भी माइनस टू ए प्लस भी माइनस टू एजल टू ए या ए प्लस भी इसको टू ए प्लस टू इसको ए, ए आपका एल्यूवर्स प्रमाण इसको सटिस्फाइ करना है तो आपको फेस सिक्स यहाँ पुट करना है और भर्टिस एट तो यह इधर हो जाएगा फोर्टीन और एज ट्वेल्व प्लस टू तो ए वेरीफाई हो जाएगा ठीक है ए फॉर्मूला को वेरीफाई करना है आपको ठीक है उसी तरह स्क्वायर प्रिज में भी आप देख सकते हैं फेस कितना हो वन टू थ्री सिक्स फेस हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म के केज में आपका फेस जो हो जाएगा सिक्स ठीक है वर्टिक्स जो होगा चार चार आठ इसमें भी वर्टिक्स आठ हो जाएगा एज इसमें भी एज हो जाएगा ठीक है एज जो होगा वार होगा तो इसमें भी बन लगा देंगे एफ प्लस ए प्लस भी इज्कल टू ई प्लस टू ए आपको वेरीफाई करना है इसका वैल्यू पुट करके ठीक है उसके बाद आपका है सेक्शन डी नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिम्प्लीफाई थ्री पे पावर फाइव है नेगेटिव है नेगेटिव है तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइव नीचे नेगेटिव है तो ऊपर चला गया सेवन इंटू सिक्स पे पावर फाइव और पहले से वन ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है उसके बाद देखिए थ्री पे पावर फाइव इंटू टेन टू पावर फाइव ठीक है अब इसको आपको फाइव पे पावर सेवन है ठीक है सिक्स है तो टू टू इंटू थ्री लिखेंगे डेट इज ये टू पे पावर फाइव टू पे पावर फाइव इंटू थ्री पे पावर फाइव होगा और इंटू वन टवेंटी फाइव को फाइव टू पावर थ्री लिखेंगे टू थ्री बेस हो गया थ्री पे पावर फाइव हो गया इंटू टू पे पावर फाइव हो गया इंटू फाइव पे पावर फाइव हो गया ठीक है अब कुछ कटेगा ये कैंसिल भी कर सकते हैं ये कटेगा ए से ए से कैंसिल हो गया फाइव पे पावर फाइव दिया हुआ है तो ऊपर ऐड करेंगे तो फाइव पे पावर टेन हो गया ऊपर और नीचे फाइव पे पावर फाइव है फिर आपको टेन माइनस फाइव करना है पावर को इज फाइव पे पावर फाइव आंसर आ गया ठीक है उसके बाद आपको दिया हुआ है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक रेडियस इतना हाइट इतना मेड फोरों में सीट मेटल से हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है रेडियस इतना है हाइट इतना है इतना डेट इज आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्लोज है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टू पाई आर प्लस आर प्लस एच सिलेंडर का हो गया अब इस पर इस इस फार्मूला का यूज करके अब बना देंगे टू ट्वेंटी टू बाई सेवेन लिख दीजिए इंटू आर हो गया सेवन सेवन प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है सेवन से सेवन कैंसिल फोर्टी फोर टेन डेट इजिए फोर फोर ज़ीरो सेंटीमीटर स्क्वायर सीट की रिक्वायरमेंट होगी इसी तरह आपको ग्राफ करना है ड्रो द ग्राफ फ्रोविंग सो ग्राफ बना तो इसमें आपको क्या करना है साइड ऑफ दिया हुआ पेरीमीटर तो एक तरफ आपको एक्स एक्सिस पे साइड ले लीजिएगा और वाई एक्सिस पे क्या ले लेना है आपको पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर ठीक है टू इधर आपको क्या करना है टू लेना है ऊपर से एट जाना है तो इस तरह का बनेगा यहाँ टू एट टू एट यहाँ हो गया इसी तरह के आपको ग्राफ ड्रॉ करना उसके बाद थ्री यहाँ से थ्री हो जाएगा यहाँ से ट्वेल्व जाएगा तो इस तरह का होगा ग्राफ ऐसे सीधे बनेगा है ना इस तरह के आपको पहले पॉइंट लोकेट कर दीजिएगा उसके बाद ज्वाइन कर दीजिए लाइन को कह रहा है कि इट इ लीनियर ग्राफ लीनियर में मतलब क्या ये स्ट्रिक्ट ग्राफ बन रहा है ठीक है तो देखना है तो एस्टिक ग्राफ बन जा रहा है स्टेक देखिए ये आपको डायरेक्ट इन्वर्स ये आपका डायरेक्ट अति डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टू फोर फोर का सब फैक्टर हो रहा है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ठीक है फैक्टराइज करना है लास्ट क्वेश्चन इतना तो ये पापा फोर बैठी है देखिए इसको पहले लिखेंगे ए का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर ठीक है ऐसे लिख सकते हैं आप डीजिए ए का स्क्वायर प्लस नाइन और दूसरा हो गया एक का स्क्वायर माइनस नाइन यहाँ पर देखिए ये मानेंगे ए स्क्वायर और बी मानेंगे नाइन फिर इसके बाद ये फैक्टर नहीं होगा ए स्क्वायर नाइन ऐसी छोड़ दीजिए ये फिर से आइडेंटिटी पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी थ्री का स्क्वायर तो तो हो जाएगा तो ए माइनस थ्री और ए प्लस थ्री तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए ट्वेंटी वन आना चाहिए तो कौन सा ए आप कहाँ सेवन थ्री हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस सेवन क्यू माइनस थ्री क्यू प्लस ट्वेंटी वन सिंपल क्वेश्चन है क्यू कॉमन कर लीजिए क्यू माइनस सेवन माइनस थ्री करिए क्यू माइनस सेवन ठीक है तो ए माइनस सेवन और ए माइनस थ्री तो इसका आंसर हो गया तो इस तरह की आप सिंपल पेपर देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको हु बहू क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इसे इस सेम क्वेश्चन ही आ जाएंगे एक पैटर्न बताया गया इस पैटर्न के हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग अलग अलग स्कूल में अलग अलग कुछ सिलेबस दिया हो कुछ कुछ टॉपिक इसमें जो कि नहीं क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग सबसे जो इंस्ट्रक्शन आपको स्कूल में दिया गया है उसको इंस्ट्रक्शन का जरूर फॉलो करें और एन का एवरी क्वेश्चन का सोलूशन करें ऑल द बेस्ट